ऑल राइट सो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि फेस कैम नहीं हो पा रहा है। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी गर्मा गर्मा अपडेट लेकर आए हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए आए हो, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बिल को टर्न ऑन करके बगल में एक ऑल का ऑप्शन होता है, उसको भी सिलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आ रही है वो आ रही है हिंदुस्तानी भाऊ की तरफ से। आप सभी को पता है कि हिंदुस्तानी भाऊ का इंस्टाग्राम अकाउंट कल के दिन डिलीट हुआ, जिसका जो यहां पर रीजन निकल के आया मास रिपोर्टिंग प्लस बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था। जी हां, मैंने आपको एक राइटर का नाम बताया था, पुनीत शर्मा, जिन्होंने जो है वो गुप्त रूप से जो यहां पर कंप्लेन किया था। और जिन भी लोगों ने हिंदुस्तानी भाऊ के इंस्टाग्राम को रिपोर्ट किया था, उसके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज उसके इंस्टाग्राम में फ्लैश कर रहा था, जहां पर यह दिख रहा था कि इंस्टाग्राम ने जो है वो हिंदुस्तानी भाऊ के अकाउंट को टेक डाउन कर दिया। तो अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इंस्टाग्राम पे जो हिंदुस्तानी भाऊ ने एक वीडियो शेयर किया था, जो कि यहाँ पे शाहरुख खान की मूवी जो आने वाली है पठान, एक लड़की उसको बोल रही थी कि उसकी मूवी को बायकॉट करना है, उसकी मूवी को, उसके ट्रेलर को डिसलाइक करना है, तो उसी चीज़ को हिंदुस्तानी भाऊ ने रिपोस्ट किया था। और बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है, तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ वो लड़की का वीडियो दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली उसने शाहरुख खान की मूवी में क्या बोला था और हिंदुस्तानी भाऊ ने जो वो रिपोस्ट क्या किया था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपने इस लड़की का वीडियो देखा, बस यही गलती जो है वो हिंदुस्तानी भाऊ से हुआ कि यहाँ पर हिंदुस्तानी भाऊ ने जो वो यहाँ पर शाहरुख खान से जो है वो पंगा ले लिया, जिस वजह से यहाँ पे शाहरुख खान के बहुत सारे फैंस जो है वो हिंदुस्तानी भाऊ के इंस्टाग्राम अकाउंट को जो वो यहाँ पर रिपोर्ट किया ग्रुप बना के मास रिपोर्टिंग। प्लस मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोगों ने FIR पहले भी किया था हिंदुस्तानी भाऊ के ऊपर, जस्ट बिकॉज वो अपने वीडियो में गालियाँ इस्तेमाल करते हैं, हेट स्पीच देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी ने भी जो FIR किया, लाइक फराह खान, और भी बहुत सारे यहाँ पर निकल के आते हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी भाऊ के ऊपर जो है वो FIR किया था, केस किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। खैर दोस्तों, ये सारा स्टोरी है हिंदुस्तानी भाऊ का। और कल के वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको कवर किया था कि कुणाल कामरा ने जो वो हिंदुस्तानी वीडियो को कट करके जो वो ट्विटर पर डाला था, और यहाँ पर मुंबई पुलिस को और अनिल देशमुख जी को टैग किया था, जिसके बाद से यहाँ पर हिंदुस्तानी भाऊ का जो इंस्टाग्राम है एकदम से जो वो उड़ गया, और अभी उनका फेसबुक अकाउंट बचा हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ है। खैर आपका क्या कहना है सारे सिनेरियो, सारे मैटर पे? आप क्या चाहते हो कि हिंदुस्तानी भाऊ के अकाउंट को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या हिंदुस्तानी भाऊ के साथ जो हुआ वो सही हुआ? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ यार, फ्री है, कर दिया करो कमेंट भर भर के। तो गाइस सर, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है वो आ रही है दोस्तों मिर्ज़ापुर फैंस लवर की तरफ से। तो जी हाँ, मिर्ज़ापुर जो है वो अब आप लोग जल्द ही देख पाओगे। जी हाँ, मैं भी बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ यार। तो अब जो है वो मिर्ज़ापुर आपको जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सितंबर के अंदर जो वो पूरा बात यहाँ पर चल रहा है कि मिर्ज़ापुर आपको जो वो देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर आज एक वीडियो भी डला है, आप देखो यहाँ पर, यह है मिर्ज़ापुर की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर। प्लस आपको अमेजॉन प्राइम पर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन शॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। खैर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो मिर्ज़ापुर के लिए, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, बस आ जाए भैया, हमको तो भैया अभी गुड्डू भैया, कालीन भैया को देखना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रही है यहाँ पर टिकटॉक की तरफ से। तो गाइस आप सभी को पता है कि टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सर्वे किया गया, जो कि सर्वे हुआ है दोस्तों, यहाँ पर रीसेंट सर्वे हुआ है मार्केटिंग रिसर्च एंड डाटा एनालिटिक्स फ्रॉम YouGov की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि 60% इंडियन जो वो अभी भी होप कर रहे हैं, और इस सर्वे के हिसाब से ये पता लगता है कि 60% जो वो इंडियन चाहते हैं कि टिकटॉक जो है वो वापस आएगा, और ये चीज़ वो चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है वो
सर्वे के दौरान जो वो पता लगा है दोस्तों, अगर आपको पूरा जो है वो आपको पढ़ना है इसका आर्टिकल, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई है, जो भी यहाँ पर बड़े बड़े शॉर्ट वीडियो ऐप आप लोग देखोगे बहुत सारे निकले हैं, रूपोसो, चिंगारी, एमएक्स, टकाटक, बहुत सारे लिख लिए, उसके बारे में भी बात किया, उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया है, और वो लोग आपका डेटा कितना स्टोर रखते हैं इसके बारे में भी बात किया गया है, क्या वो आपके डेटा को लीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, आज का लेटेस्ट अपडेट है, उसको जाकर जरूर से पढ़ लेना। खैर, यहाँ पर 60% इंडियन तो ये होप कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भैया टिकटॉक वापस आ जाए। खैर, आप क्या चाह रहे हो, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो जनता, आप क्या चाहते हो, टिकटॉक को वापस देखना इंडिया में या नहीं देखना, आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। खैर, यहाँ पर मुकेश अंबानी यानी रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अभी बिडिंग कर रही है और यहाँ पर एक अमाउंट भी निकल के बाहर आया था हम लोगों के सामने, जो कि $5 बिलियन का था। खैर, देखते हैं कि कब तक जो है वो मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री जो वो टिकटॉक को खरीदती है। खैर, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता, होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। सो गाइस, जब मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।